हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईक्यू जेड 7 प्रो के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस और सभी ने आपको अच्छा अच्छा बात बताया होगा। लेकिन दोस्तों कुछ बातें हैं जो सभी ने नहीं बताया है, तो मैं आज आपको इसी फ़ोन के रिलेटेड प्रोज और कॉन्स बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके स्पेक्स भी देखने वाले हैं और फाइनली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है या नहीं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस फोन के डिजाइन और लुक के बारे में बात करते हैं और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही ये फोन देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन कौन सा प्रोटेक्शन है ये आपको देखने को नहीं मिलता है। डिजाइन आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही दो कैमरा का हाउसिंग देखने को मिलता है और LED की जगह पर आपको एक LED रिंग देखने को मिलता है जिसको ऑरा लाइट बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर USB Type-C 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि आपको एक अच्छा लुक वाला फोन देखने को मिल जाता है, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलता है, यानी कि डिज़ाइन से आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। कर्व डिस्प्ले है तो आपको अच्छा देखने को भी लगता है और 7.3mm का थिकनेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको स्लिम फोन देखने को मिल जाता है और वेट भी आपको बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलता है, 175 ग्राम का ही है। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन और लुक शानदार देखने को मिलता है तो और बिल्ड क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। 6.78 इंच का आपको यहाँ पर कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। फुल HD प्लस वीडियो आप OTT प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। कर्व एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण फोन का लुक अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, यानी कि डिस्प्ले आपको सॉलिड देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट चिपसेट रहने वाला है। नॉर्मल गेमिंग अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत ही तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी गेमर हैं तो मत लीजिएगा इस फोन को। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो 7,20,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। स्मूथ में अगर आप BGMI खेलते हैं तो 60 FPS पर आप आसानी से खेल पाएंगे, COD भी आप 60 FPS पर आसानी से खेल पाएंगे, यानी दोस्तों नॉर्मल गेमर के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो एंड्रॉइड 13 के साथ फनटच OS 13 देखने को मिल जाएगा। 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और मेजर अपडेट के बारे में बात करें तो 2 साल तक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ दोस्तों अगर बात करें कैमरा के बारे में, तो डुअल कैमरा का सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, 4K वीडियो आप यहाँ पर 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाइएगा, 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, बहुत सारा फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा मोड्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको वीवो की तरह ही इसमें आपको कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको 4000 या 6000 mAh की देखने को मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 66 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डब्बा में आपको 80 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर ये फोन थोड़ा सा मोटा होता तो दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल सकती थी। इस फोन में दोस्तों आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको डुअल स्पीकर का मजा नहीं मिलेगा। साथ दोस्तों यहाँ पर आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, SD कार्ड का स्लॉट भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आपको 5G देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 10 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी छोटे मोटे जितने भी सेंसर हैं सभी आपको मिल ही जाएंगे और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ दोस्तों अगर बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस यहाँ पर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको 22000 के अंदर देखने को मिल जाएगा, 2000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ दोस्तों अगर आपको 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज चाहिए तो आपको 23000 खर्च करना होगा इस फोन को लेने के लिए, और बैंक ऑफर्स इंक्लूड करने के बाद ही आपको 23000 और 22000 में मिलेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पड़ सकता है। और अब अगर बात करें दोस्तों इस फोन के प्रोज के बारे में, तो यहाँ पर आपको गुड लुकिंग फोन देखने को मिल जाता है दोस्तों, डिसेंट सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, 120Hz का कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 10 5G बैंड देखने को मिलता है। साथ दोस्तों अगर बात करें इस फोन के कॉन्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर के साथ देखने को मिलता है, कैमरा आपको एवरेज ही देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की कमी देखने को मिलती है और बैटरी का साइज भी आपको यहाँ पर छोटा देखने को मिलता है। एवरेज बोले तो दोस्तों यहां पर आपको ठीक ठाक फोन ही देखने को मिलता है। और कंक्लूजन के बारे में बात करें, तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जिसको आप कैमरा और बैटरी सब कुछ नॉर्मल चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए एक फोन चाहते हैं तो इसको गेमिंग के लिए मत लीजिएगा, बाकी डिसेंट सा परफॉर्मेंस भी आपको निकाल कर दे देगा।
और अगर आप एक गेमिंग फ़ोन ही लेना चाहते हैं आईक्यू की तरफ से, तो आईक्यू नियो 7 के साथ जा सकते हैं जो कि आपको 30,000 के करीब पड़ जाता है। और आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। कौन सा फीचर्स आपको इस फ़ोन में ज़्यादा बेटर लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।